टाइम नहीं होता है मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए मेरी सरकार जब गिर रही थी तो मेरे कैलाश मेघवाल है जो स्पीकर थे, गृह मंत्री थे, उनके उन्होंने एक किस्सा बताया मेरे जो मैंने किया जिंदगी के अंदर। जब मैं पीसी बैलन था 90s के अंदर तो मेरे बैलन शेखावत थे मुख्यमंत्री थे, वो क्वीनलैंड गए थे अमेरिका अपना तीसरी बार बाईपास जाने गए। उस जमाने में हम बचपन में सुनते थे ह्यूस्टन में जाते थे पहले लोग, ह्यूस्टन के बाद में क्वीनलैंड जाने गए, वो गए थे वहां पर। पीछे उन्हीं के बारे में लोग सरगा गिरा रहे थे उनके, पीछे नरसिम्हा भी थे प्राइम मिनिस्टर, मैं था पीसी पेंथर आता के अंदर, मेरे पास भी बोलो आए साहब हम दिया हमारी पार्टी में वोट करते सगा के। तो मैंने कहा भाई एक एक आपका नेता बीमारी है सीरियस से, मैंने सुना वहां पर थर्ड टाइम गए हैं और आप पीछे ये जो कर रहे हरकत मैं उचित नहीं मानता। मैंने पीएम नरसिम्हा जी को जैसे कहा क्योंकि उनके केंद्रीय मंत्री रह चुका था, टेक्सटाइल मिनिस्टर था मैं, तो मैंने कहा भाई मैं सुना उनको मालूम पड़ गया था, उन्होंने मुझे पूछा, मैं कहा उचित नहीं कर रहा, उनको मैंने रोका। और बद्रीनाथ भगत थे हमारे गवर्नर, उनको मैंने कहा कि ये सुन रहे हैं ये उचित नहीं है, एक तो वो था जो गवर्नर को प्राइम मिनिस्टर को कैलाश मेघवाल में बात की जानकारी थी, वो नंबर वन थे शेखावत साहब के, उन्होंने अभी जब कैसे हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात पे कि हमारे परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकार टॉपर कहने की, इतने उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोअर एमएलए थे वो भी लॉबिंग मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं, उन्होंने उनके मुंह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी उनकी, मैंने गलती से वो कोर्ट कर दिया धौलपुर के अंदर। तो मेरी सरकार जब कैसे में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावनाएं थी, मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाना में रहे, बिना फ्लेवर की बनती नहीं आपकी, गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की भी बनती नहीं है, और मैं भुगत दे रहा हूं कुछ फ्लेवर थे। अभी मैंने कह दिया जुडिशियल करप्शन है, मैंने कह दिया मेरे खिलाफ मेरे भाई चले गए कोर्ट के स्क्वाड्रन में कोर्ट लगाने के लिए, तो मैंने जवाब दिया भाई नौ सुप्रीम कोर्ट रिटायर जजेज नौ, दो सीजीआई उनके मैंने आदेश पड़े हैं, वो सब कह रही जुडिशियल बहुत करप्शन है, तो ये मेरी भावना नहीं है, मैंने जो पढ़ा पर्सन बना मैंने उसको कोट किया है, तो मैंने मेरा रिप्लाई दिया है कि भाई मेरी भावना नहीं, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेज तक कह रहे हैं, सिटिंग जजेज ने कह दिया सीजीआई कह रहे हैं, तो मैंने वो मेरी भावना नहीं थी, मैंने पकड़ की है। फिर भी अगर कोर्ट को लगे जुडिशी को सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, और मेरा कमिटमेंट है जुडिशी मजबूत होगी देश में लोगों से बचेगा, तो मैं ये बात कहता हूँ, तो मैंने कहा फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने इसमें कंडम किया तो मैं अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि वो फ्लेवर लग गया, मैंने कहा मैंने सुना है कि एडवोकेट पैसे लिखते हैं वो फैसला आता है, अखबार लिख दिया वकील लोग फैसले लेके लिख के ले जाते हैं और हाईकोर्ट जज फैसले देते हैं, फ्लेवर लग गया उनको मौका मिल गया एक व्यक्ति जाने का, इसको मैं फ्लेवर कहता हूँ।